Hello friends, welcome in our channel Current Affairs Updated. I am Sriyansh Tiwari, work in a public sector bank. Today I will teach you the syllabus for CSAT, ठीक है, for MPPSC and UPSC, ठीक है. तो syllabus CSAT में दो subject important हैं. First है aptitude, second है reasoning. Aptitude is also known as mathematics. Okay, so there are lots of topic in the aptitude, but today I teach you about what is important, why these topics are important, the importance of each of the topic, and same we will discuss for the reasoning. So starting from the aptitude, to first topic is percentage. Okay, so percentage is the basic of aptitude. We should learn the concept of percentage. That is very useful to solve the questions for profit and loss, discounts, and simple interest compound, and many more. Okay, then we will discuss profit and loss and discount. That is also a very important topic. Then we come to a time and work, pipe and system. Time and work and pipe and system are correlated topics. So they are, if you understand time and work properly, then pipe and system is also very easy for you. Okay. इसके बाद हम देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट. वो हम मैं दो चीज़ों पर फोकस करूंगा, आपको कॉन्सेप्ट बताने की, फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस निकालने के लिए भी, और बाकी कहीं पे भी कोशिश करूंगा कि आपको फॉर्मूले याद ना करना पड़े, हम कॉन्सेप्ट पे ही डील करेंगे. और सीआई के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा लेंथी और डिफिकल्ट हो जाते हैं, इसलिए हम कॉन्सेप्चुअली सॉल्व करेंगे तो ईजिली हो जाए, ठीक है. इसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन, दैट इज अ वेरी ईजी टॉपिक. देन वी विल कवर द एवरेज. एवरेज में वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन होते हैं, बट दैट ऑल आर ईजी. मिक्सचर एलिगेशन, दिस इज अ लिटिल डिफिकल्ट टॉपिक, थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है स्टूडेंट्स को इसको सॉल्व करने में. तो हम इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, कॉन्सेप्ट समझने के बाद ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी. इसके बाद हम आते हैं स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस. इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, स्पीड टाइम में बहुत वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस हैं, लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस आर देयर. हम एक एक के कॉन्सेप्ट समझेंगे, कॉन्सेप्ट समझने के बाद हम इनके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है. इसमें स्पीड, टाइम, डिस्टेंस में ट्रेन के भी क्वेश्चन आते हैं, लाइक प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन, जस्ट लाइक दिस आर ट्रेन, टू ट्रेन आर क्रॉसिंग इन ईच अदर, इन हाउ मेनी मिनट्स दे विल क्रॉस ईच अदर, या इन हाउ मेनी सेकेंड दे विल क्रॉस ईच अदर, या फिर देर इज अ ट्रेन एंड अ पोल इज स्टैंडिंग देयर. तो ये क्वेश्चन ऐसे आएगा कि ये ट्रेन इस पोल को कितने टाइम के बाद कवर करेगी. ओके, इसके बाद कुछ मिसलिनियस टॉपिक्स हैं, लाइक मिसलिनियस टॉपिक्स में हमें एलजेब्रा, एससीएफ एंड एलसीएम एंड मेंसुरेशन, ये सारे देखने होंगे. इसको डिटेल में नहीं जानना है क्योंकि बेसिक्स ही आता है, तो जो क्वेश्चंस आते हैं बेसिक्स में हम उनको कवर करेंगे, ठीक है. इसके बाद हम देखिए, इसके बाद देखते हैं हम रीजनिंग, ठीक है. रीजनिंग में सबसे पहले हम स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे. स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन क्या होता है, दो एक या दो स्टेटमेंट देंगे, उसके बेस पे आपसे कंक्लूजन निकालने के लिए बोला जाएगा, अजम्पशन बोला जाएगा, कोर्स ऑफ एक्शन बोला जाएगा. ये सारे के सारे ईजी होते हैं, बस हमें ये ध्यान रखना है कि जो भी स्टेटमेंट में दिया है दैट इज ट्रू. स्टेटमेंट पर हम डाउट नहीं कर सकते, जो भी स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है. अगर लिखा हुआ है इफ विराट कोहली प्लेज फुटबॉल, दैट मीन्स इन स्टेटमेंट इफ इट मेंशन विराट कोहली प्लेज फुटबॉल, दैट वी हैव टू assume that, हमें मानना पड़ेगा कि वो सच है. तो उसके बेस पे हमें conclusion निकालना है, assumption निकालना है, course of action निकालना है, ठीक है. The thing is कि स्टेटमेंट जो होते हैं, स्टेटमेंट को आपको समझने की जरूरत है. अगर आपको स्टेटमेंट समझ में आ रहा है तभी आप कंक्लूजन, अजम्पशन या कोर्स ऑफ एक्शन निकाल पाएंगे. इसीलिए आपको स्टेटमेंट समझना है तभी इनको अटेम्प्ट करना है, मतलब नहीं करना है. हम डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे विद एग्जाम्पल्स. इसके बाद डिसीजन मेकिंग भी इसी टाइप से होता है. डिसीजन मेकिंग में आपको एक पैराग्राफ दे देगा, स्टेटमेंट दे देगा, उसके बेस पर कुछ आपको डिसीजन निकालना होगा. देन वी कम टू कॉज एंड इफेक्ट. वॉट इज कॉज एंड इफेक्ट? देर इज टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट होंगे, वो एक दूसरे के कॉज भी हो सकते हैं, इफेक्ट भी हो सकते हैं, और कुछ भी नहीं हो सकता है. चार ऑप्शन होंगे, उसके हिसाब से हमें टिक करना पड़ेगा. इसके बाद आता है कंक्लूजन फ्रॉम द पैराग्राफ. कंक्लूजन फ्रॉम द पैराग्राफ इज वेरी मच सिमिलर विद द कंक्लूजन एंड स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन. बस इस यहाँ पे ये स्टेटमेंट के फॉर्म में होगा और यहाँ पे ये पैराग्राफ के फॉर्म में होगा, ठीक है. इसके फिनिश करने के बाद रीजनिंग के बहुत सारे टॉपिक्स हैं, छोटे छोटे सिंपल टॉपिक्स हैं जो इनके क्वेश्चंस के एग्जाम्स में आते हैं, लाइक डाइस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जिसको मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको सॉल्व करने के लिए. फिर एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं जो भी इजीली हो जाएंगे. और उसके बाद सीरीज में अल्फान्यूमेरिक सीरीज भी आता है और नंबर सीरीज भी आता है, दोनों के क्वेश्चन हम कुछ कवर करेंगे, ठीक है. फिर है मिरर इमेज एंड वाटर इमेज. मिरर इमेज और वाटर इमेज में आपको एक इमेज दी जाएगी लाइक दिस,
ठीक है, और पूछा जाएगा कि इसके सामने या फ्रंट मिरर है तो यहाँ इसकी मिरर इमेज क्या होगी, या फिर वाटर इमेज भी पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर आता है काउंटिंग ऑफ फिगर्स। काउंटिंग ऑफ फिगर्स लाइक कि आपको ट्रायंगल दे दिया, आपको ट्रायंगल में बहुत सारे ट्रायंगल बने होंगे, पूछा जाएगा नंबर ऑफ ट्रायंगल्स क्या है, या फिर कोई स्क्वायर होगा उस स्क्वायर में पूछा जाएगा नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं। तो ये सिंपल सिंपल टॉप चीज़ें हैं जिनके हम कॉन्सेप्ट समझेंगे, कॉन्सेप्ट समझने के बाद कवर कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद है ब्लड रिलेशन। ये तो वेरी इजी टॉपिक है, बस इनके क्वेश्चन को समझना है, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम कवर करेंगे मिसलेनियस टॉपिक्स। मिसलेनियस टॉपिक्स में बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, लाइक फर्स्ट एज, पजल, कोडिंग डिकोडिंग, और भी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो कि सेपरेट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन पे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। हमें एक मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस करने हैं इनके, क्योंकि ज़्यादा रिपीट नहीं होते। मेन फोकस करना है ये 5 से 6 टॉपिक पे। ठीक है, आप देखिए दूसरी बार समझिए सी सेट की इंपॉर्टेंस। देखिए सी सेट जो है पेपर 2 होता है, किसी भी स्टेट या फिर स्टेट पब्लिक कमीशन या फिर यूपीएससी का पेपर 2 जो होता है वो सी सेट होता है। अब इसमें सी सेट में जो स्टेट पब्लिक कमीशन या यूपीएससी जो है इसमें काउंट नहीं होता है, लेकिन अगर आप फॉरेस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो फॉरेस्ट में इसके मार्क्स भी काउंट होते हैं। तो जो मेरिट आती है फॉरेस्ट में वो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के बेस पे आती है। पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों को ऐड करके ही फॉरेस्ट की मेरिट आती है। ठीक है ना, तो इसीलिए ये वाला भी पोर्शन भी इम्पॉर्टेंट है टू क्वालिफाई इन स्टेट फॉरेस्ट एग्जामिनेशन। ठीक है, अगर देखिए इसके बाद ये सब चीज़ों के बाद अगर आप इन सब चीज़ों को एक बार ध्यान से पढ़ लेंगे तो ये लाइफ टाइम के लिए आप सीख जाएंगे। ओके, थैंक यू। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू टू ऑल।